दिल्ली से मुंबई 1250 किलोमीटर की यात्रा अब और भी आसान। देखिए, दिल्ली और मुंबई के बीच दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। करीब 1305 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से मुंबई तक के 24 घंटे के सफर को आप महज 12 घंटे में कर सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे के बनने में करीब 90,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस एक्सप्रेसवे का काम साल 2018 में शुरू हुआ और 9 मार्च 2019 को इसकी आधारशिला रखी गई। अभी तक एक्सप्रेसवे में 8 लेन हैं, लेकिन ट्रैफिक के मुताबिक इसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे का काम साल 2023 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद आम आदमी इस पर फर्राटा भर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे में क्या कुछ खास होगा। एक्सप्रेसवे पर 75 से ज्यादा रेस्टोरेंट और एमिनिटीज होंगे। एटीएम, होटल, फूड कोर्ट और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट होंगे। पूरे एक्सप्रेसवे पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा, केवल एंट्री और एग्जिट पर ही टोल टैक्स देना होगा। एक्सीडेंट होने पर मदद के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस मिलेगी। हर 100 किलोमीटर पर ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे। एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा, यानी कोई भी इसे बीच से क्रॉस नहीं कर सकेगा। ये एक्सप्रेसवे 5 राज्यों से गुजरेगा। इसमें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। यह एक्सप्रेसवे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत जैसे इकोनॉमिक हब के लिए भी शानदार कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाते वक्त पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये वन्य जीवों के लिए ओवरपास वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे होगा। रणथंभौर और मुकुंदरा सेंचुरी में ओवरपास और अंडरपास बनेंगे। एक्सप्रेसवे बनने से हर साल 85 करोड़ किलोग्राम CO2 का उत्सर्जन कम होगा। यहाँ सोलर एनर्जी से चलने वाली लाइटें होंगी। दिल्ली जयपुर के बीच 2 लेन का इलेक्ट्रिक हाईवे बनेगा। हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। हर साल 32 करोड़ लीटर फ्यूल की सेविंग होगी। रोड के आसपास 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही वन्य जीव आवाज से डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए साइलेंट कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का आनंद आप लोग जल्द से जल्द उठा सकें, इसके लिए सुपर फास्ट स्पीड से काम किया जा रहा है। इसके लिए 15,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। 12 लाख टन से ज्यादा स्टील और 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से सरकार को सालाना 1,000 से 1,500 करोड़ की कमाई होगी। साथ ही इसके जरिए हजारों इंजीनियर्स को रोजगार मिला है। इसी महीने 6 सितंबर को मध्य प्रदेश के जावरा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड टेस्ट भी कर चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से 2 फायदे होंगे। पहला ये कि लोगों का सफर आसान होगा, दूसरा पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।